विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास हेतु मोदी ने दिए 1,00,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज PVTG महान्याय अभियान के तहत जिले के ग्राम पोड़ में 199 कमार बस्ती के 2100 कमारों के आवास स्वीकृति कर उन्हें राशि प्रदान की। साथ ही विशेष जनजाति के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। पीएम मोदी ने इस समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया और योजनाओं के लाभ की जानकारी दी। इसके साथ ही सभी हितग्राहियों के खाते में एक बटन दबाकर 1,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीधे वर्चुअल के माध्यम से जुड़ते हुए कहा, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद इस महाअभियान सफल होने जा रहे हैं। देश के 1,00,000 अति पिछड़े और जनजाति के लोगों का पक्का मकान बनेगा, सड़क बिजली की सुविधा होगी, विकास पहुंचेगा, उनके जीवन में आर्थिक सुविधा आएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। देश के 190 जिलों में अति पिछड़े जनजाति के लोग रहते हैं। सरकार ने उन तक पहुंचकर आयुष्मान कार्ड दिया। 2 महीने में 30,000 किसानों को किसान निधि, 40,000 लोगों को बैंक खाता, 30,000 से ज्यादा वंचितों को क्रेडिट कार्ड, 11,000 लोग वन अधिकार पट्टे दिए गए। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि अति पिछड़ों तक जल्द से जल्द योजना का लाभ पहुंचे। आज 1,00,000 लोगों को पक्के मकान की शुरुआत हो रही है। कुल 2,50,000 रुपए मिलेगा। इसके साथ ही हर घर में निशुल्क बिजली, शौचालय, रसोई गैस का कनेक्शन भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को पूरे गरियाबंद जिला वासियों के साथ धन्यवाद दूंगा, जो पूरे हर वर्ग के ख्याल करते आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप सोच को देखिए। इसके पहले पूर्व में कई सरकार रहे, लेकिन पिछड़ी जनजाति का मात्र इस्तेमाल किए थे, उसके समाज के नाम से वोट बटोरने का काम किए थे। पिछड़ी जनजाति के उत्थान में ऐसा कोई काम नहीं किए थे जिससे पिछड़ी जनजाति आदिवासी समाज के उत्थान हो। लेकिन ये तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे उसके समाज के ख्याल रखते पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट प्रचंड बहुमत के साथ हम छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। 11 लोकसभा माननीय मोदी जी को हम देंगे, ये पूरी जनता के विश्वास है और जनता के आशीर्वाद से ये दिन बहुत जल्दी आने भी वाला है। मैं धन्यवाद। कांग्रेस अयोध्या न जाने की बात कर रही है, आपका क्या है? देखिए, कांग्रेस हमेशा तोड़ने का काम किया है, लोगों को भड़काने का काम किया है और सनातन धर्म को तोड़ने का काम किया है। उसको कांग्रेस के नेताओं से मैं बोलना चाहूंगा, भगवान सबका है, हमारे आराध्य देव है प्रभु श्री रामचंद्र जी। अयोध्या में राम मंदिर बन रहे हैं, हम तो देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं, 500 वर्ष बीत गए थे लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाया। वो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है, जो हनुमान जी की तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजे हैं। कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा छलावा करने का काम किया है, लोगों को धोखा देने का काम किया है, धर्म को तोड़ने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया, बस इससे ज्यादा और बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार